अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल नूर्स किचन एट। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं लाई हूँ आपके लिए बहुत टेस्टी और सिंपल सी चटनी। ये चटनी केचप का भी रिकॉर्ड तोड़ देगी। इस चटनी को खाते ही आप केचप को भूल जाएंगे। ये खट्टी मीठी चटनी यकीनन आपने पहले ट्राई नहीं की होगी। इसको आप अपने स्नैक्स के साथ यूज़ कर सकते हैं और स्पेशली माह रमज़ान में इफ्तार में भी ऑलमोस्ट हर डिश के साथ यूज़ कर सकते हैं। फिर चाहे वो समोसे पकोड़े हों, चना चाट दही बड़े, रोल कबाब, बारबेक्यू प्लेटर हो या फिश हो। चलें जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमें इन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होगी। सब्ज़ धनिया एक गट्ठी, पुदीना एक गट्ठी, सब्ज़ मिर्चें 5 से 6 अदद, लहसुन के जवे 3 अदद, चीनी 1/2 कप, इमली का पल्प 1 कप, काली मिर्च 1/2 टीस्पून, दादर मिर्च 1/2 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून और काला नमक 1 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर भुना हुआ 1 टेबल स्पून, धनिया पाउडर भुना हुआ 1 टेबल स्पून। अब हम एक ब्लेंडर जग लेंगे और इसमें अपने तमाम इंग्रेडिएंट्स को 1 बाय 1 ऐड करते जाएंगे। सब इंग्रेडिएंट्स डाल के अब हम इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। लास्ट में हम इसमें 1 टेबलस्पून सिरका ऐड करेंगे। इससे हमारी चटनी का टेस्ट ख़राब नहीं होगा। और अगेन इसको हल्का सा ब्लेंड कर लेंगे। हमारी चटनी तैयार है। आप इसके स्पाइसेस अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी सेट कर सकते हैं। आप इस चटनी को लास्ट में ट्राई कीजिएगा। आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो इसको लाइक करना ना भूलें। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी फ़ीडबैक दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। जज़ाकअल्लाह। मुझे दें इजाज़त। अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।